this is me Vanna. Welcome and welcome back to my channel. How's doing all? So guys, for watching me first time, please take a moment to subscribe my channel first and don't forget to hit the notification bell button icon also. So guys, today you can see I have done a minimal makeup but a flawless one. Like see, you can see बहुत ही अच्छा मेकअप मैंने आज गाइस टुडेज वीडियो गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज आई हैव यूज्ड ओनली एंड ओनली 5 प्रोडक्ट्स टू क्रिएट दिस लुक सो आई होप यू गाइस आर रियली रियली एक्साइटेड टू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक सो फॉर दिस लुक आई हैव यूज्ड ओनली एंड ओनली 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रांड स्टे क्वार्की आई लव द ब्रांड आई लव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस ब्रांड सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट्स लाइक इट्स अ प्राइमर बेस ऑयल फाउंडेशन कॉम्पैक्ट आई शेडो लिपस्टिक एंड काजल सो यस इन्हीं को लेके आज मैं ये वाला लुक क्रिएट करने वाली हूँ सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने के लिए एंड गाइज यू नो वॉट यू गॉस गाइज नोज हाउ मच आई लव फॉल्सीज बट टूडे आई हैवेंट यूज एनी फॉल्सीज बिकॉज आई जस्ट यू वॉन्ट टू यूज दीज प्रोडक्ट एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रियली रियली वर्ड गाइज रियली वर्ड दिस यू कैन सी द पेज रियली ऑसम सो चलिए देख ले सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो फटाफट से मैं आपको 5 प्रोडक्ट के साथ एक मेकअप लुक करके दिखाऊंगी एंड ये जितने भी सारे प्रोडक्ट थे सारे के सारे स्टे क्वार्की के हैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे राइट तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं तो मैंने अपने स्किन में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा चुका है नाउ आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वार्की ये बेस है एंड दिस इज अ प्राइमर ऑयल एंड ये है स्टे क्वार्की का प्राइमर ऑयल एंड प्राइमर ऑयल्स की भी बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू होती है सो बस आपको 2-3 ड्रॉप्स अपने चेहरे पे लगाना है I'm just putting this thoda on my face and just it give a flawless base to your makeup and just you just need to dab it out आपको बस इसको रगड़ना नहीं है धीरे धीरे करके आपको इसको अपने फेस में एब्जॉर्व कराना है बस थोड़ा सा एब्जॉर्व कराना है थोड़ा सा रेस्ट लेना है देन उसके बाद आपको अपनी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करनी है सो गाइज आफ्टर प्राइमर ऑयल आई विल यूज स्टे क्वार्की फाउंडेशन ये इसका शेड है आइवोरी एंड दिस इज अ डेली वेयर फाउंडेशन आप डेली बेसिस पे इस फाउंडेशन को लगा सकते हैं बहुत ही लाइट वेट है इस फाउंडेशन का आपको बिल्कुल भी हैवी हैवी नहीं लगेगा सो यस यू नीड टू अप्लाई जस्ट 2-3 ड्रॉप्स गाइज यू कैन सी मैंने अच्छे से इसको ब्लेंडेड आउट कर दिया है एंड इसको सेटल डाउन करने के लिए नाउ आई एम यूजिंग स्टे क्वार्की कॉम्पैक्ट पाउडर ये है शेड आइवोरी सो यस ये अंदर से आपको इस तरीके का मिलेगा सो आपको बस कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने एरियाज में लगाना है ताकि टी एरियाज में आपको ज़्यादा लगाना है टी जोन में ताकि आपके जो ऑयली आप ना लगे सो बस थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है एंड इसको सेटल डाउन करना है जो आपने फाउंडेशन लगाया है इसको हम सेटल डाउन करेंगे बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट मुझे लगा है ये आपके ऑयल को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है एंड आपके को जो मेकअप है उसको काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन कर देता है सो यस यू नीड टू अप्लाई अ लिटल बिट नॉट मच क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपके इसको सेटल डाउन करेगा आप देख सकते हैं कितने अच्छे सो गाइज ये पाउडर अच्छे से सेटल डाउन हो गया है नाउ हम बात करेंगे आइस की सो आइस के लिए मैं पहले बेस बनाऊंगी सो बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक ये है स्टे क्वार्की की आई वोक अप लाइक दिस ये कलर बहुत अच्छा है एंड इसी कलर को मैं एज अ लिप शेड भी यूज़ करने वाली हूँ ब्लश भी यूज़ करने वाली हूँ एंड अपने आइज का बेस भी यूज़ करने वाली राइट सो इसका कलर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा न्यूट सा कलर है एंड इट्स रियली रियली ग्रेट सो जस्ट यू नीड टू अप्लाई आपको अपने लिड से यहाँ पे जब पे बेस बनाना है 1-3 ड्रॉप्स आपको लगानी है 1-2-3 एंड हेयर 1-2-3 एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लाइलैक कलर पहना है सो आई जस्ट नीड कि मैं एक लाइलैक कलर का मेकअप करूँ सो मेरे पास एक आई पैलेट भी है उसमें भी बहुत अच्छा एक लाइलैक कलर है सो फर्स्ट यू नीड टू ब्लेंड दिस आउट सो मैं इसका एक अच्छा सा बेस तैयार करूँगी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाइट है आपको बस ये अच्छे से ब्लेंडेड आउट करना है बहुत अच्छा कलर है बहुत अच्छा ये अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है मैंने इसको पहले भी यूज़ करके देखा है एंड यस यू जस्ट नीड टू ब्लेंड ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आप देख सकते हैं
बहुत ही प्यारा सा शेड, लाइट सा शेड आपको मिलेगा इसमें. एंड वेयर इज माई स्मॉल मिरर, सो आप देख सकते हैं ये अभी ढंग से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो बस मैं इसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर दूंगी. एंड इसी तरीके से मेरे को सेकेंड आइज भी ब्लेंड करनी है. सो यस, नीड टू ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. आप देखेंगे ये मैं ब्लेंडिंग सिर्फ आउटर पार्ट में ही कर रही हूँ, इनर पार्ट में नहीं. गाइस, एज यू कैन सी ये अच्छे से ब्लेंडेड आउट हो चुका है. लिपस्टिक का शेड ये है एंड ये सिर्फ मैंने अभी आउटर कॉर्नर पे करा, अभी मैंने वो वाटर आईलाइनर में नहीं लगाया है. सो यस, नाउ आई एम यूजिंग दिस स्टे कोर की बी माई विंग आई शेडो पैलेट. ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है. इसके जो कलर्स हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. सो इसमें आपको कुछ ये इस तरीके के कलर मिलेंगे. इसमें आपको ये मैट फिनिश भी मिलेगा, ये लाइलैक है, इसका थोड़ा सा डार्क है. ये थोड़ा सा हमें गोल्डन शेड में मिलेगा एंड इट्स क्वाइट लाइक ग्रे कलर. ठीक है, तो आप इसका पिगमेंट देख सकते हैं, इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा हाई है. लाइक आपको मैं हैंड में लगा के दिखाती हूँ, सी द पिगमेंट, इट्स रियली रियली नाइस पिगमेंट. सो बस मैं क्या करूँगी, इसको पहले आप अपने ये जो आउटर कॉर्नर पे ही इसको हल्का सा लेके अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पिगमेंट है एंड थोड़ा थोड़ा ये शाइनी भी है. सो आपको इसी तरीके से अपने इनर कॉर्नर जो अंडर वाटर लाइन है उस पर भी मैं इसको बिल्डअप कर दूंगी. बट उससे पहले मैं इसको आप थोड़ा थोड़ा मैं इसको नीचे भी लेके आऊँगी, आप देख सकते हैं, ताकि एक अच्छा सा ब्लेंडेबल मिल जाए मुझे आई मेकअप और आई शेडो में. तो यस, यू नीड टू अप्लाई अ लिटल बिट लाइक दिस. एंड यस, इसका जो आउटर तो जो उसके इनर कॉर्नर है मैं उस पर तो अपनी फिंगर की हेल्प से जो ये गोल्डन कलर है वो लगाने की ट्राई करूँगी. सो यस, यू नीड टू अप्लाई अ लिटिल बिट. एंड इधर मैं इसको जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करती जाऊँगी. एंड आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा हमको एक इफ़ेक्ट मिल रहा है यहाँ पे. एंड यस, इसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इनको ब्लेंड कर दूंगी. ठीक है, सो यस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक येलो येलो सा शेड मिल रहा है. सो ये इसके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अप्लाई कर देना है. सो यस, उसके बाद मैं जो ये वाला कलर है लाइट पर्पल सा, इसको भी हल्का सा लेके बीच वाले. My eyeshadow is looking pretty good. Now it's time to apply kajal. So I'm applying here Stay Quirky kajal. It's really really good kajal. Jet black है. So मैं kajal का use यहाँ पे अपनी lower waterline में नहीं कर रही हूँ. As a liner I'm using this kajal. So काफ़ी अच्छा है, waterproof है and it's really really good. So आपको बस क्या करना है, इसके tip भी बहुत ज़्यादा अच्छे pointed है. तो बस मैं थोड़ा सा पहले अपने inner कॉर्नर्स पे इसको लगा रही हूँ, देन आपको इसको अच्छे से अपने एज अ लाइनर की शेप देनी है. सो डेली वेयर मेकअप है, सो मैं बहुत हल्का हल्का इसको लगा दूँगी एंड बस दिस मच आई एम यूजिंग दिस. सो काफ़ी देखो आप एक ही स्ट्रोक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लैक कलर आ गया है. एंड ऐसे ही मैं अपनी सेकेंड आई में भी लगा दूँगी एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो येस, आई जस्ट लव दिस. सो आई गेस आई मेकअप बहुत सिंपल और बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. नाउ मैं सेम लिपस्टिक जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मेरा प्रोडक्ट है, इसी को लेकर के मैं ब्लश भी लगाऊंगी. सो ब्लश के लिए बस यू नीड टू अप्लाई अ 4 ड्रॉप लाइक दिस, 1 2 3 4. ऑलवेज आपको पता है आपको अपना ब्लश हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है. सो यस, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर भी पसंद आता है, सो मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी. सो ये स्टे कोर की है एंड आपको बस इसको ब्लेंड इट आउट करना है अपर डायरेक्शन में. एक आपको हल्का सा पिंक इफेक्ट देगी, जिसने जैसा आपको अपनी आईज के ऊपर मिला था. एंड ये काफी ज्यादा, सो गाइज एज यू कैन सी हल्का सा ब्लश इफेक्ट हमको मिल गया है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नाउ यही लिपस्टिक मैं अपने लिप्स में भी अप्लाई करूँगी. सो जस्ट यू नीड टू जस्ट apply a little bit lipstick on your lips. So I'm just doing like this. पहले हम इसका आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाई अ लिपस्टिक. इट्स अ किंट न्यू शेड एंड आई जस्ट लव द शेड. आई लव द शेड.
आई हैव अ क्वाइट थिन लिप्स, सो मैं थोड़ा सा लिप्स को प्लम कर देती हूँ लिपस्टिक से. सो ये, सो गाइज आप देख सकते हैं मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस एंड अच्छा लग रहा है. तो एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो इस पैलेट में लास्ट कलर था ना, चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं. इसको मैं काजल के ऊपर लगाऊंगी, इट्स क्वाइट अ ग्रे. इसको लेके मैं काजल को हल्का हल्का सा स्मज वाला इफेक्ट दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अपवर डायरेक्शन में लगा के हमें इसको हल्का हल्का सा, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे. सो यस, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको लगा लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो यस, नाउ इट्स डन एंड आई जस्ट लव द मेकअप. जिस तरीके से ये मेकअप उभर के आया है, आई जस्ट लव इट गाइस. आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेकअप. सो गाइज आई लव माई मेकअप, हाउ इट्स टर्नड आउट. लाइक आई यूज ओनली 5 प्रोडक्ट. यू गाइज नो हाउ मच आई लव टू यूज फॉल्सीज. सो आज मैंने फॉल्सीज भी नहीं लगाए हैं, बिकॉज बस मैं आपको दिखाना चाहती थी कि विदाउट फॉल्सीज भी आप अच्छे लग सकते हैं. सो येस, मैंने कुछ नहीं लगाया, तो मुझे अपना मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई यूज ओनली 5 प्रोडक्ट एंड आई होप आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा.